हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय किचन सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी एंड इजी गेहूं के आटे से लड्डू बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। 5 टेबलस्पून घी का ही यूज़ करेंगे और ऐसे सॉफ्ट लड्डू बना के तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप्स ऑफ भाखरी का आटा आता है वो लिया है। ये दरदरा सा गेहूँ का आटा है। दरदरा सा गेहूं का आटा यूज़ करने से उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम जो टेबलस्पून आती है मेजरिंग स्पून की, वो यूज़ करके 4 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। यहाँ पे हम घी का ही मोयन डालेंगे, इससे लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैंने रूम टेम्परेचर वाला जो घी है वो ही यूज़ किया है। इस लड्डू में हमने बहुत ही कम घी का यूज़ किया है, फिर भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप एक बार ज़रूर से बना के ट्राई कीजिएगा। हमने यहाँ पे 2 कप्स आटा लिया है, सो उससे आधा पानी लेंगे। अब हम 1 कप पानी को एक पतीली में उबालने के लिए रखेंगे। इस लड्डू का आटा उबलते हुए पानी से ही लगाएंगे, उससे हमारा जो लड्डू बनके तैयार होंगे वो बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। पानी उबल गया है, अब हम स्ट्रेट अवे इस फ्लार में ऐड कर लेंगे। ये पानी डालने के बाद ये आटा गर्म होता है, इसकी वजह से पहले स्पून की मदद से मिक्स करेंगे, उसके बाद हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। ये परफेक्ट मेजरमेंट है, 2 कप्स फ्लार एंड 1 कप वाटर एंड 4 टेबलस्पून घी। इस मेजरमेंट से हमारा जो आटा है वो परफेक्ट बनके तैयार होगा, ना सॉफ्ट ना हार्ड, जस्ट परफेक्ट बनके तैयार होगा। एक बार इसी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद हम हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में आए हुए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। ऐसा करने से आपको हमारी नई नई रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये परफेक्ट डो बनके तैयार हो रहा है, इसी तरह का चाहिए हमें। जैसे कि हम रोटी का आटा बनाते हैं वो ऐसा हो जाएगा, एक डो फॉर्म आ जाएगा। ये परफेक्ट बनके तैयार हो गया है, आप देख सकते हो उसका बाइंडिंग भी आ रहा है और ऐसा सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। अभी ये कच्चा है, अब हम उसको स्टीम करेंगे। इसके लिए स्टीमर प्लेट को ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से निकल के बाहर आ जाए। अब हम उसे स्टीमर प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इवनली स्प्रेड कर लेंगे ताकि हमारा जो ये आटा है वो इवनली कुक हो जाए। अभी ये आटा सॉफ्ट लग रहा है, लेकिन जब ये कुक हो जाएगा तो ये हार्ड हो जाएगा। इवनली इसी तरह से स्प्रेड हो जाने के बाद हम बीच में होल करेंगे। ऐसा करने से आसानी से ये इवनली अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। ये लड्डू हम मुठिया को तले बिना बना रहे हैं, आटे को स्टीम करके बना रहे हैं, इसीलिए उसको बनाना बहुत ही इजी है, ना तलने की झंझट। फिर भी ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं। अब हम उस प्लेट को फॉइल से कवर करेंगे ताकि एक्स्ट्रा वाटर अंदर ना जाए। आपके पास कोई परफेक्ट प्लेट है इस साइज़ की तो आप उससे भी ढककर स्टीम कर सकते हो, लेकिन मेरे पास कोई स्मॉल छोटी साइज की प्लेट नहीं थी, इसी वजह से मैंने ये फॉइल से कवर कर दिया है। आपके पास इसी तरह की कोई प्लेट है तो ढक सकते हो, लेकिन मेरे पास नहीं थी, इसी वजह से मैंने ये फॉइल से कवर किया है। ज़्यादा पानी हमारे आटे में चला जाएगा तो हमारा आटा गीला गीला हो जाएगा और रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। मैंने स्टीमर को पहले से ही स्टीम करने के लिए रख दिया था, पानी उबालने के लिए रख दिया था। अब हम उसमें ये प्लेट रखेंगे और 15 मिनट तक उसे स्टीम करेंगे, अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। तब तक हम हमारा जो गुड़ है वो प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने चाकू की मदद से ही इसी तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है ताकि हमारा गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। 15 मिनट के बाद ये हमारा स्टीम हो गया है, अब हम उसे साइड पे निकाल लेंगे और जो कवर है उसका वो निकालेंगे और इस प्लेट को हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। 15 मिनट में ये आटा कुक हो जाता है।
अब हम इसे कम्प्लीटली कूल होने के लिए रखेंगे। ठंडा हो जाने के बाद हम उसका चूरमा बनाएंगे। ठंडा हो जाने के बाद ही हम उसका चूरमा बनाते हैं तो जो चूरमा बनता है वो बहुत ही खिला खिला बनता है। हम चम्मच की मदद से चेक करते हैं और हाथ की मदद से ब्रेक करते हैं तो ये अच्छी तरह से ब्रेक हो जाता है और अलग अलग सा हो जाता है। ये परफेक्ट कुक होके रेडी हो गया है। ये काफ़ी ठंडा हो गया है। अब हम इसी तरह छन्नी लेंगे और छन्नी से उसको हाथ की मदद से ही ब्रेक करते जाएंगे और छानते जाएंगे ताकि जो हमारा चूरमा रेडी होगा वो बहुत ही फ्लफी तैयार होगा और एक समान सा तैयार होगा। ये हाथ की मदद से इजीली ब्रेक हो जाता है। इसी तरह से ये ब्रेक करेंगे और छन्नी से छानेंगे। छन्नी से छानने से उसका जो चूरमा होता है वो बहुत ही अच्छा तैयार होता है। तो ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है। आप देख सकते हो नीचे चूरमा आना शुरू हो गया है छानने के बाद। इसी तरह ब्रेक करते जाएंगे और छानते जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। इसी तरह का अच्छा चूरमा बनके तैयार होता है। मैंने इसी तरह थोड़ा थोड़ा आटा लेके सभी चूरमा को इसी तरह रेडी कर लिया है। अब जो ये बड़ा बड़ा पार्ट बचा हुआ है उसको हम मिक्सचर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फाइन पाउडर जैसा बना लेंगे। इसी तरह का चूरमा बनके रेडी होता है। बहुत ही फ्लफी बनके रेडी होता है और अच्छा सा बारीक बनके रेडी होता है। इसी तरह से मिक्सर जार में जो बचा हुआ था उसको ट्रांसफ़र करके फाइन पाउडर जैसा बना लेंगे और पाउडर बन जाने के बाद उसको एक बाउल में ऐड कर लेंगे। ये परफेक्ट बनके रेडी हो गया है। अब हम गुड़ का मिक्सर बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए एक पैन में 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। ज़्यादा घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ये कम घी में बना रहे हैं। अब हम 1 कप गुड़ को बारीक कट करके ऐड करेंगे। गुड़ मेल्ट हो जाए तब तक हम उसे पकाएंगे। इसी तरह से स्प्रेड कर लेंगे ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। अब हम 1/2 कप कोकोनट चिप्स को ऐड करेंगे। मैंने जो कोकोनट चिप्स ऐड किया है वो बहुत ही पतली है और रेडीमेड कोकोनट चिप्स को ऐड किया है। आप घर में जो अवेलेबल है उसको कट करके भी ऐड कर सकते हो। ये पतली है इसीलिए मैंने गुड़ के साथ ही ऐड कर ली है। आपके पास थीक वाली कोकोनट चिप्स है तो आप पहले घी में डाल के भूनने के बाद गुड़ ऐड कर सकते हो। हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है और बबल आना शुरू हो गया है। हमें यहाँ गुड़ को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। गुड़ ज़्यादा पक जाएगा तो हमारे जो लड्डू है वो हार्ड बनेंगे। हमें इसी स्टेज पे पकाना है और तुरंत ही मिक्सचर में ट्रांसफ़र कर लेना है और फटाफट से मिक्स कर देना है। ये गर्म है तो ये काम हम फटाफट से करेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। इसी तरह फटाफट मिक्स कर लेंगे। ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं और मुंह में डाल के ही पिघल जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है। हमने इस आटे को स्टीम में पकाया है इसी वजह से इसमें बहुत सारा मॉइस्चर है, इसकी वजह से ये सॉफ्ट बनता है। पहले चम्मच से मिक्स करने के बाद हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। हाथ की मदद से मिक्सचर टच हो जाए इतना गर्म होना चाहिए। अब हम उसमें 1/4 टीस्पून नटमेग पाउडर घिस के ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर फ्रेशली क्रश करके ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। नटमेग पाउडर एंड इलायची पाउडर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, ये ज़रूर से डालिएगा। मिक्स हो जाने के बाद लड्डू बनाना शुरू करेंगे। परफेक्ट लड्डू बन रहे हैं। सभी लड्डू सेम साइज़ के हो इसीलिए मैंने 1/8 साइज़ का जो मेजरिंग कप आता है उसका यूज़ किया है और छोटे छोटे लड्डू इसी तरह से बनाए हैं।
इसी तरह से हम सभी लड्डू को बना के प्रिपेयर करेंगे। मैंने सभी लड्डू को बना के प्रिपेयर कर लिया है। उसके ऊपर हम पॉपी सीड्स को स्प्रेड करेंगे, इससे उसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।